होगा और ऐसे ऐसी आवाजें आएंगी कि वहां से पैर पकड़ कर जूती भी नहीं मिलेगी ऐसे। मम 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 पुछ 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 पुछ, अबे चल क्या रहा है ये संसद है क्या है ये मम मम पुछ 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 पुछ, ये कोई रंडी कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे कॉमेडी नमूने हमारी संसद के अंदर ही भरे हुए हैं। हमारी बगल में भी एक रेवड़ राष्ट्र है, वहाँ पर एक से बढ़कर एक, हमसे भी दो कदम, दो नहीं चार कदम आगे ऐसे कॉमेडी नमूने संसद में भरे हुए हैं। वो चिड़िया घर के कॉमेडी नमूनों को आपका भाई आपके लिए पकड़ के लाया, आप इंजॉय कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपका भाई आपको मिलता है लास्ट में। यू आर लिसनिंग सम वॉइसेस और नॉट, यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा यहाँ हिशिशे पर भी होगा और ऐसे ऐसी आवाजें आएंगी कि वहाँ से पैर पकड़ कर जूती भी नहीं मिलेगी ऐसे भागेंगे। पागल औरत। बाल मैडम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती, पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया है। हालत है जंग की कैफियत में हम लोग हैं और इन हालतों में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तोरा बाप के ना हटे कश्मीर, चीर दे तोरा बाप के ना हटे कश्मीर, चीर दे। मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा, अब तो सीख लो कि मैं रूलिंग दे रही हूँ जी। अम्मी जान काश अम्मी का आपको एहतराम करना आता, मुझे रूलिंग दे रहे हैं आप, कह रही हैं मुझे इजाजत है, मैं सब रूलिंग कुछ ले रहा है पेस्ट। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, माइक बंद के बावजूद बोल रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे। मेरा दूसरा कहते हैं रघु भाई इसकी दाद देंगे, आवाज इनकी अच्छी है, नवाजुद्दीन कादिर साहब का उनकी आवाज अच्छी है, अगर ये दोनों गाना गाते तो बड़े कामयाब रहते। मुझे तो आपका हाल भी मालूम है, मुझे भी आपका हाल भी मालूम है, आप जो है ना तशरीफ ले जाए प्लीज, सर्जेंट ऑफ आर्म आउट ऑफ आउट किया जाए। मैं सर्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ अगर डेकोरम बिगाड़ा गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल हदफ कराया है जब आप चीख रही थी। मैं सर्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ ये आप कुछ तो काम करें, पुशअप्स के बजाय कुछ काम करें। पर्सनल अटैक्स अगर लेडीज करेंगी तो जब उनको जवाब मिले तो वो लेडीज नहीं अपने आप को एमपीए समझे। यानी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और हुंडा ज्यादा लग रहे थे। प्राइम मिनिस्टर कम और हुंडा ज्यादा लग रहे, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वंडर लव्स नहीं मौलाना साहब यूज करें, एक्सपंज कर दें जी। अच्छा जी, ये एक्सपंज कर दें जी। सही जी, एक्सपंज कर दें जी। चलो बस कर दिया जी मिनिस्टर साहब, एक्सपंज कर दिया। वंडर एक्सपंज हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी, एक्सपंज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छे अल्फाज है, ये भी एक्सपंज कर दें। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा, दूसरा किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें, अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माय माउथ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की कार्रवाई से, निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान हाउस में गुटखा खाना, चुइंग टबैको और चुइंगम खाना अलाउड नहीं है।
तो kindly don't do it. इलायची नासिर शाह साहब ने दी थी, वो हम खा रहे थे, शाह साहब ने इलायची दी थी. एक डिप्टी स्पीकर का ये काम नहीं है कि वो इस तरह के जुमले तंजिया बोले. आपका काम है आप न्यूट्रल होकर बात करें. मैं रूलिंग दे रही हूँ, आप कह रही हैं कि आप बात कर रही हैं कि पब्लिक हो जाती है. मैं रूलिंग दे रही हूँ. अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन बिजनेस लाएगा इस असेंबली में. रूलिंग दे रही हूँ. समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना. आप तशरीफ रखे, आपने स्पीच की, मैं एक्सपंच करा चुकी हूँ पहले जी. और अगर खवातीन यहाँ की इतनी शोर कर रही है तो आप लोग भी इकट्ठे होकर इन्हें जवाब दे सकते हैं. बहुत हो गया है, मैंने बिल्कुल हजफ कराया है जब आप चीख रही थी. मैं सार्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दें. एक जूते दिखाए जार, आप पलट के देखे, आप लोग को क्या ये तमीज होती है पार्लियामेंटेरियंस की कि जूता दिखाया जा रहा है? ये तरीका नहीं है कि जूता दिखाया जा रहा है. सही गौर तो नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं सर, मैं तो सर पहले तो इन स्पीकर साहब को खुश करना है ना जी. ये खुश हुए तो फिर ये सब खुश हो जाएंगे. मैं तो सर सुन रहा हूँ आपकी माशाल्लाह. एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूँ. मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए. मैं बांध के आया था. मैं नहीं नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दीजिए. तुम मारेगा आ जरा मैं बताता हूँ. प्लीज 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 अभी सुनो. आप तशरीफ रखे प्लीज प्लीज तशरीफ. और दो टके गए और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखे. जय जी. चलो शट अप सवारी साहब, मेहरबानी करें आप. जी जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज प्लीज शट अप. आप अली महमूद खान साहब मिनिस्टर. तुम बचाओ बेगारत जी. तुम जी नहीं हो नहीं, हमारे टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता. जो कहते हैं कि हम चार चार दफा तकरीरें करते हैं उनके लिए आपके पास टाइम पेश होता है. उसके बाद आपने जो बात कर दी है बिल पेश. देखिए मुझे प्लीज यहाँ पे मत समझाया जाए. मैं भी बार बार, हम भी यहाँ से इलेक्शन लड़ के आते हैं, हम भी 80,000 वोट लेकर आते हैं. जब हम यहाँ पे बात करते तो हमें मौका नहीं दिया जाता. हम भी चाहते हैं कि डेरा गाजी खान की बात कीजिए. ये सारे लोग आए हैं, ये भी अपने हलकों की बात करना चाहते हैं. और क्या कर सकते हैं आप? सोए हुए थे क्या? कर नहीं है आप सोए हुए थे? अगर ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग मेल है और अपनी आवाज से मुझे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा. आपने अगर मुझे ये कहा ना कि मैं नहीं बोलूं, मैं आपको आउट कर दूंगी. आप सीधा सीधा कॉल अटेंशन मूव करें वरना मैं आगे बढ़ा देती. एज शी इज थ्रेटनिंग नाउ आई मूव द नेक्स्ट कॉल अटेंशन. कॉल अटेंशन नोटिस गिवन बाय मिस्टर खुर्रम शेर जमान. चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाए आप. जो जिस तरीके से बात करते हैं ना, कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर कंडेम करे, फिर इजलास भी चैम्बर में बुलवाएं. आपका काम है आप न्यूट्रल होकर बात करें. मैं रूलिंग दे रही हूँ. आप कह रही हैं कि आप किस तरह कह रही हैं कि जी शीरी मजारी साहब आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि दिस जो दिस बिल द वे इट्स रिटन इज रॉन्ग. इसका टाइटल ही गलत है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट. ये कमेटी में है. नहीं बट टाइम मजाक क्यों उड़वा रहे हैं आप? नहीं आप उड़ाने दे इसका. अगर आप पढ़े फॉर बी एंड सी हेवन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है. माइग्रेंट्स आर नॉट इलीगल. डॉक्टर साहब लैंग्वेज तो सही बिल्कुल. डॉक्टर साहब दिस इज योर ओपिनियन. कल मैंने आपके एफआईआई वालों को भी कहा था दिस इज बिल इज अ जोक. कल आपके एफआईआई वालों को कहा था इसको ठीक करके. दिस इज व्हाट यू थिंक, अदर्स डोंट थिंक. दिस जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो एक वर्ड स्पेंच करते हैं इसमें से. इन्होंने कहा यार ये कर दें स्पीकर. क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये नहीं है यार. किसको यार कहा? आपको. डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन करें आपने मुझे क्या कहा. डॉक्टर साहब आपने मुझे यार मैंने नहीं कहा, आपने कहा है. मेरी मजाक कहा है? किसको यार कहा? ये कह रहे हैं आपने मुझे कहा. मैंने आपको क्यों कहूंगी यार? आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ. मैं इसको मैं कमेटी में. आपने अभी फिर क्या कहा? माइक खोले इनका प्लीज. खड़ी हो जाए. आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं आपको क्यों इस अल्फाज से. मगर आपने फिर आगे कह दिया. फिर कह दिया मैंने वो वर्ड ही नहीं. आपको गवाही मैं चाहिए तो अपने दोनों आसपास जो है, जो पीछे दो बैठे हंस रहे हैं ना, असद उमर साहब और शमकर साहब, उन पे मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ. आप पे मैं क्यों करूंगी?
भाई उस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। इन कॉमेडी नमूनों को देख के आपको बिल्कुल बिल्कुल सही अंदाजा लगा लिया। पाकिस्तानी सांसदों को देख के ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई ये सड़क छाप गुंडे हो, ये संसद की कोई मर्यादा नहीं, कोई भाषा नहीं है, इनका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इनकी देश के अंदर। और बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। अब यहाँ तक आए गए तो एक कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि ये आपका कमेंट एक पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचे के बराबर होता है, क्योंकि पाकिस्तानी आपके सारे कमेंट्स को रीड करते हैं, भले वो आपको रिप्लाई ना करें लेकिन उनको मिर्ची बराबर की लगती है। इसके लिए दिल खोल के कमेंट कीजिए। आपका भाई आपके लिए ऐसे न्यूज रोस्टिंग वीडियो बनाता रहता है, तो आपको सब्सक्राइब के लिए बोलने की जरूरत है नहीं, वो कर दोगे आप। अब एक फाइनल बात, आपके भाई ने बनाया ब्लॉग चैनल HKHR बंटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। आपका भाई लद्दाख जाके आया, वीडियो भी एडिट करना शुरू नहीं किया, एडिट करके अपलोड करूंगा। और जो लद्दाख आपका भाई आपको दिखाने वाला है ना, तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। मैं शॉर्ट 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 भागता हुआ लद्दाख नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको चलता हुआ लद्दाख दिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अभी मैं रील्स डाल रहा हूँ छोटी छोटी वाली शॉर्ट वीडियो। सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.